गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ओपी फिक्सर पर। दोस्तों, आपने एडजेक्टिव तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन एडजेक्टिव को हम कैसे पढ़ें, कैसे उस पर क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उसका यूज होता है, उसके विषय में हम आपको समझाने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है विशेषण, जो विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताएगा? एक तो यह नाउन की विशेषता बताएगा, दूसरा यह प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, प्रोनाउन की। इसके अलावा किसी और की विशेषता नहीं बताता है एडजेक्टिव। या तो वह क्वालिफाई करेगा किसी नाउन को, या तो वह क्वालिफाई करेगा किसी भी प्रोनाउन को, अदरवाइज वह एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। अगर एडजेक्टिव नहीं होगा तो वह फिर एडवर्ब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हम देखें दोस्तों, जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया कि ही वाज लुकिंग वेरी नाइस, पहला सेंटेंस हुआ। इसी के संदर्भ में दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, ही वाज वेरी नाइस। इन दोनों सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो ही हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, इसको फॉलो करने वाला यह वाज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिर इसको फॉलो करने वाला लुकिंग क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। अगर आप यहां पर देखेंगे, अब आपको दो शब्द बचते हैं, वेरी और नाइस। अब इन दोनों को क्वालिफाई करना होगा, तो हम कैसे क्वालिफाई करेंगे? तो आप यहां पर आ जाइए, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ही वाज नाइस, या इसका एक सेंटेंस बनेगा कि ही वाज नाइस। तो इसमें देखेंगे ही हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है, और वह क्या है, नाइस है। तो हमने बताया था कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब यहां पर नाइस क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे यहां पर देखेंगे ही वाज लुकिंग, वह दिख रहा है कैसे, वेरी नाइस, उसका लुक क्या है, नाइस है। यानी कि यहां पर यह नाइस किसको क्वालिफाई कर रहा है, लुकिंग को क्वालिफाई कर रहा, अर्थात यह क्या पर यहां पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगर आप देखेंगे नाइस तो है, कितना नाइस है, वेरी नाइस है, यानी कि एडवर्ब की विशेषता बताने वाला यह वेरी भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। यानी कि यहां पर वेरी और नाइस दोनों के दोनों क्या हो गए, एडवर्ब हो गए। लेकिन यहां पर देखें ही वाज नाइस में यह क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इस सेंटेंस में आए तो ही हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वेरी हमारा क्या है, और नाइस हमारा क्या है। तो आप इस ही को ले जाए तो ही क्या है, नाइस है। इसका मतलब यहां पर नाइस किसका रोल कर रहा है, एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, या किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और नाइस है, कितना नाइस है, वेरी नाइस है। तो वेरी यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ब हो जाएगा। यही बात आपको समझनी है, क्योंकि एडजेक्टिव में जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट इरर बनते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि बताओ यहां पर क्या गलत है। जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, हमने यहां पर लिखा कि ही जंप्स स्लो, ये सेंटेंस हुआ हमारा। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि स्लो होगा, इसके विपरीत में हमने एक और सेंटेंस लिख लिया, दूसरा सेंटेंस कि ही जंप्स स्लोली, ये दो सेंटेंस हो गए। अब यहां पर बताइए, पहला सेंटेंस सही है तो दूसरा सेंटेंस सही है? तो ये चीज आपको समझनी है। आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, ही जंप्स, वह कूदता है कैसे, स्लोली। तो यहां पर स्लो क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहां पर चाहिए कि यह जंप कर रहा है तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसको एडवर्ब चाहिए। इसका मतलब यह सेंटेंस गलत हो करके यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ही जंप्स स्लोली। अगर आप इसको एडजेक्टिव के तौर पे लिखना चाहते हैं तो इसको वर्ब से ना क्वालिफाई करके किसी भी सब्जेक्ट से क्वालिफाई कराइए, किसी भी नाउन से। जैसे हमने यहां पर लिख दिया कि श्याम वाज स्लो। अब आप यहां पर देखेंगे श्याम क्या था, धीमा था। तो यहां पर देखेंगे श्याम एक लड़का, एक नाउन का काम कर रहा है, और श्याम क्या है, धीमा है। अब यहां पर स्लो क्या हो जाएगा,
हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसके लिए सही हो जाएगा। अगर आपने इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया, श्याम वाज स्लोली, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको जहां पर एडजेक्टिव का यूज करना है वहां पर आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे, और जहां पर आप एडवर्ब का यूज करेंगे करना है वहां पर आप एडवर्ब का यूज करेंगे। यही चीज हमको एडजेक्टिव के पार्ट में ध्यान रखना होता है। पहली चीज तो हमको यह समझ में आनी चाहिए कि एडजेक्टिव है कौन। पहली चीज तो हमको क्या आना चाहिए कि एडजेक्टिव को पहचानना आना चाहिए। दूसरा चीज हमको क्या आना चाहिए एडजेक्टिव के विषय में, उसका सही प्रयोग करना आना चाहिए कि हम सही प्रयोग उसका करेंगे कहां पर। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे हमने लिखा कि ही ऑफन रीड्स, पहला सेंटेंस हुआ, इसी के विपरीत में दूसरा सेंटेंस लिख दिया ही रीड्स ऑफन, दूसरा सेंटेंस हुआ। तीसरा सेंटेंस इसी के लिए हमने लिख दिया ही रीड्स। अब बताइएगा दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, पहला सेंटेंस सही है, दूसरा सेंटेंस सही है कि तीसरा सेंटेंस सही है। अगर आपने एडजेक्टिव को समझ लिया होगा तो आप सेंटेंस को सही कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव के सभी पार्टों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।